हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे, लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे। तो गाइज, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारे चैनल पे 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इन फ्यूचर और अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, हम 50K भी पहुंचेंगे और 1 मिलियन 1 लाख सब कुछ कर देंगे हम। तो गाइज, आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, काइट फाइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू, और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको उड़ा दो, और बिना घंटी दबाए अंदर कोई नहीं आएगा। तो लेट्स गेट। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काइट फाइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो भाई, इसमें क्या आज हम कवर करने वाले हैं, खींच के पेचे। तो जितने भी हम खींच के पेचे लगाते हैं उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली हैं, ढील के पेचे की हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी मैं आपको टिप्स दूंगा ये मेरी खुद की हैं, जो भी मैं ट्राई अपने पेचों के टाइम करता हूँ, इतना साल जो मैं पतंग उड़ा के सीखा हूँ वो सब मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस प्लीज, कोई दिमाग ज्यादा मत लगाना कमेंट में आके, ठीक है गाइस। तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। बैक कैमरा ऑन करके आपको दोनों पतंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक इजी वे में समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने कागज की पतंगे बना रखी है, तो फटाफट आपको ले चलता हूँ बैक कैमरा। तो गाइस, ये दो पतंगे मैंने खुद बनाई हैं, और ये आपको समझाने के लिए कि पेचे कैसे लगाने हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं टिप नंबर 1 की। खींच के पेचे लगाते वक्त, मान लो आपकी ग्रीन वाली पतंग है, खींच का पेचा लगाना है तो पतंग को थोड़ा सा दूर ले जाना होगा इससे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसको दूर नहीं लेंगे और आपने यहीं से खींच मारना शुरू करा तो आपकी डोर खींचते खींचते बहुत कम हो जाएगी और काट नहीं पाएगी। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा दूर रखना है पतंग को, और फिर खींच मारते हुए लाना है, फिर काटना है। तो ये तो होगी टिप नंबर 1। अब बात करते हैं हम टिप नंबर 2 के बारे में। मैंने बहुत लोगों को देखा ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत दूर से खींच मारते हुए लाते हैं और यहाँ तक आते आते जैसे उनका टच होता कट जाते हैं। तो गाइज, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत दूर से खींच मारते हुए ला रहे हो तो यहाँ तक पहुँचने तक आपकी फोर्स ख़त्म हो जाएगी, उतनी फोर्स नहीं बचेगी, और दूसरा बंदा, सामने वाला बंदा भी कुछ अपनी टेक्निक लगा सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घुमाते हुए या कैसे भी आपको यहाँ तक लेकर आनी है पतंग, और बिल्कुल क्लोज नहीं रखना और बिल्कुल दूर भी नहीं रखना। आपको बीच में एक मीडियम आते ही, सही समय का वेट करते ही, सही टाइम का वेट करते ही एकदम से आपको घुमाते हुए खींच मारनी है। ये गलती कभी मत करना, कभी आप टेढ़ी खींच मारते हो, कभी यूं खींच मारते हो, कभी कैसे। तो गाइस, कुछ नहीं करना, घुमाते हुए लाना है पतंग को, और यहाँ पे आते ही आपको सीधी खींच मारनी है, सीधी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई टिप नंबर 3। गाइस, कई बार क्या होता है, हमारी पतंग ऊपर होती है और नीचे वाला खींच मारना चालू कर देता है, तो आप इस समय ना ढील दे सकते ना खींच मार सकते ढंग से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर ये खींच मारना स्टार्ट करता है तो आपको अपनी पतंग घुमानी है और पूरी फोर्स से नीचे की तरफ खींच मारनी है, ठीक है, कोई क्या चांस नहीं है सामने वाला बच जाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो बंदा उड़ा रहा है वो किस तरफ से उड़ा रहा है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पेचे लगा देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको घुमाते घुमाते उसकी हाथ की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। जितना आप नीचे से काट पाओगे उसको, जितना हत्ता मार पाओगे उतना बेस्ट रहेगा। आप जितना नीचे से काटोगे और फिर खींच मारना स्टार्ट करोगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितना नीचे हो सके उतना नीचे ले जाके फिर खींच मारनी है। तो गाइस, ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने बच्चों को भी देखा है, बड़ों को भी देखा है। जब आप खींच मारते हो ना तो गाइस आपको रुकना नहीं है। कई बार बंदे क्या करते हैं, खींच मारते मारते रुक जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक फ्लो टूट जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने सही जगह पहुंच गए हो, मान लो यहाँ आ गए आप, और आपको खींच मार दिया आपने, तो रुकना मत भाई, बिल्कुल खींचते हुए चले जाना बिना सोचे समझे कि कटेगी नहीं कटेगी, ये चीज़ बात की है। आपको अपनी तरफ से भाई अपनी खींच 100% मारनी है, तो आपको फ़र्क दिख जाएगा भाई कि पेचे कैसे कटते हैं। तो गाइज, लास्ट टिप आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारा ये ओपोनेंट नीचे की तरफ से खींच मार रहा है तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इस पर ढील दे देते हैं। तो आपको ढील बिल्कुल नहीं देनी, ढील दोगे तो ये खींच मारेगा तो आपकी 100% कट जाएगी। आपको क्या करना है, फटक से इधर घुमानी है पतंग राइट साइड को और इधर को काट देनी है, ठीक है, बिल्कुल इधर को बिना सोचे समझे इस साइड बिल्कुल खींच मारते हुए जाओ और इसको उड़ा दो। तो गाइज, ये थी लास्ट टिप। तो गाइज, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने अपनी आपके साथ शेयर की है। होप करता हूँ इनको अगर आपने यूज़ करोगे तो आपके पेचे कम कटेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेचे काट पाओगे। वीडियो को ढंग से देखना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, और कोई भी पतंग से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ढील के पेचों की अगर वीडियो बनानी हो तो कमेंट कर देना, मैं वो भी जल्द से जल्द बना के डाल दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।